हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड से। लेकर शेयर प्राइस की बात करें तो 1620 रुपए का ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो सकता है, चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस सब चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कुछ स्टडी करना, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए वीडियोस देखनी है जितनी हो सके। जितनी वीडियोस देखोगे उतना ज्ञान का वर्धन होता हुआ नजर आएगा, उतना ज्ञान आपको सीखते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि 7-8 मिनट की वीडियो में हम बहुत सारी बातें नहीं कर पाते, तो आप हमारा यहाँ पर बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, ये सारे आंसर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की एनरोलिंग, स्टार्टिंग यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जा रहा है। और 8860540501 और 8162610037 दोनों नंबरों पर को आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और दिवाली का फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा है, तो दिवाली तक 1 नवंबर तक, ठीक है, ये पूरा वीक मान के चलिए, ठीक है, संडे तक यहाँ पर आप हमारे कोर्स को अगर एनरोल करते हैं तो मैं आपको वो ही पुराने रेट 15,000 रुपीज में यहाँ पर आपको ये कोर्स पूरा सिखा दूंगा। वैसे 25,000 है, बट 15,000 में आपको अच्छा खासा यहाँ पर ये कोर्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, लगभग अच्छी खासी यहाँ पर डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 1 जनवरी 2025 से, आज से 2 महीने बाद, यहाँ पर इस कोर्स की कीमत 50,000 रुपये होने वाली है। तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं, और साथ में काम भी करना है तो भी इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक की हम यहाँ पर बातें करेंगे, कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो सब चीज जान लेते हैं। तो कंपनी यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये ग्रीन बसेस बनाती हुई नजर आती है, ई बसेस बनाती हुई नजर आती है। आपने अपने अगर हम बात करें पुणे में, ठीक है, यहाँ पर मुंबई में या अदर अलग अलग प्लेसेस में, गुजरात में, यहाँ पर ओलेक्ट्रा की बसेस चलती हुई यहाँ पर देखी होगी, ठीक है। दिल्ली की बात करो, दिल्ली में यहाँ पर जेबीएम ऑटो यहाँ पर ज्यादा चलती हुई नजर आती है, ठीक है। बट ओलेक्ट्रा की बात करें तो ओलेक्ट्रा का जो छाप है, जो ज्यादा है, जहाँ पर ज्यादा काम करती हुई नजर आती है, ये यहाँ पर साउथ और यहाँ पर मिड साउथ में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है, जिससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हैदराबाद में है, ठीक है। यहाँ पर 2000 में ये कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड थी। द कंपनी इज प्राइमरी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक बसेस में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। बसेस से लगभग लगभग 87% का यहाँ पर इनका रिवेन्यू आता हुआ नजर आता है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 13,298 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है। जो स्मॉल कैप कंपनी की बात करूँ तो दो चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, हमारी यहाँ पर पकड़ छोटे यहाँ पर शेयरों में ज्यादा है, इसलिए हम ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं। जब हम दूसरे स्मॉल कैप की बात करूँ तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब चीजें स्मॉल कैप में चलती है तो बेहतरीन रिटर्न बनाती है, कि कैसे ये शेयर कोविड के टाइम पे 60-70 रुपए का हुआ करता था और उसके बाद यहाँ पर ये शेयर ने 2,000 से भी ज्यादा की छलांग लगाई थी और अभी ये शेयर लगभग लगभग 1,600 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आता है। तो मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आए। बट जब ये शेयर गिरते हैं ना, या फिर नहीं चलते, तो सालों तक एक ही रेंज में पड़े रहते हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। या फिर गिरते हैं तो किसी तरीके से 200 रुपए वाले शेयर कब 50 रुपए हो जाएगा, कब आपके 50-60-70% की यहाँ पर वेल्थ आपसे ले ली जाएगी, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो याद रखिएगा, सही टाइम पे लेना है और सही टाइम पे बेचना है, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तो यहाँ पर पैसे बनेंगे स्टॉक मार्केट में, अदरवाइज आप एक या तो लॉस मेकिंग या फिर एवरेज बन के यहाँ पर रह जाएंगे। स्टॉक के पी की बात करें तो 118 का है, इंडस्ट्री का पी 20 का है, तो 118 का पी बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। और वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, पी के बेस पे काम नहीं करना है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देखना है, बट स्टिल पी को इग्नोर नहीं करना है। 118 का पी है तो मतलब ग्रोथ जो होनी थी वो यहाँ पर दिख चुका है, कि यहाँ पर ये चार्ट आप देखोगे ना, इसे 118 का पी कंपनी जो काम कर रही थी उसे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डिस्काउंट कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर पीरियड में ये शेयर इतना भाग चुका है कि यहाँ पर इतना महंगा कर दिया गया है कि यहाँ पर आपको, आप सोचोगे कि 118 वाला पी 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये 1600 से 3200 रुपए यहाँ पर शेयर को जाना है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो पी है लगभग 200 प्लस यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, ठीक
ठीक है, 220 के आसपास का पी होगा तब जाके यहाँ पर 3200 रुपए का, तब जाके आपके 100% के रिटर्न बनेंगे। क्या यहाँ पर ये पॉसिबल होगा? ये आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद यहाँ पर आप खुद ही डिसाइड करिएगा, क्योंकि मैं तो कोई हूँ नहीं बताने वाला, मैं जैसे आपके सामने असलियत ला के यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है ना। उससे लेकिन मैं और भी अभी चार्ट पे चलेंगे तो बातें करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं। आरओसी आरओई की बात करें, 14 और 8 के आसपास की है, अच्छी नहीं मानी जाती आरओसी आरओई, कम से कम 20-25% की हो तब यहाँ पर अच्छा माना जाता है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, 27% की यहाँ पर जंप देखी गई है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में 25% की जंप देखी गई है। डेट की बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है यहाँ पर। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देखोगे ना प्राइस टू बुक वैल्यू 13 के आसपास है, तो यहाँ पर ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है चीजें, 120 से 16 से ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है। मैं यहाँ पर बार बार यही चीज दोहरा रहा हूँ, ठीक है। और डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड कंपनी ना के बराबर यहाँ पर देखती नजर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कुछ दिन पहले इसके क्या है नंबर है, नंबर आए तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर पिछले 12 क्वार्टर के नंबर है, 524 करोड़ रुपए का यहाँ पर सेल्स है, जो कि ईयरली क्वार्टरली और पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 48 करोड़ रुपीज के आसपास है, जो कि हाईएस्ट एवर है। मार्जिन भी यहाँ पर 16 के आसपास आया है, ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छे है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। बट देखिए, इतने अच्छे जबरदस्त रिजल्ट आने के बाद भी, ठीक है ना, शेयर क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है भागने के लिए, भागने अभी तक यहाँ पर भागा नहीं है। बट अगर यही यहाँ पर पी, यहाँ पर ये शेयर इतना प्राइजिंग ना हुआ होता, और शायद ये पी यहाँ पर 20 का होता, 30 का होता, या 40 का भी होता, ठीक है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये शेयर अभी तक 40 का पी यहाँ पर 70 और 80 को भी शायद, या फिर 60-70 तक यहाँ पर शायद पहुंच चुका होता 3-4-5 दिन के अंदर अंदर, जो कि यहाँ पर अभी तक हुआ नहीं है। काफी लोग यहाँ पर बैट लगा के यहाँ पर रखे हुए हैं, सोच रहे हैं कि शायद ये शेयर इतना चला जाएगा उतना चला जाएगा। चार्ट पर बात करेंगे उससे रिलेटेड, बट अभी जो मैं पिक्चर है ना वो दिखाना चाह रहा हूँ, क्या ये रिजल्ट हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। क्या कंपनी यहाँ पर अच्छा काम कर रही है, वो आपको देखना होगा। ऑर्डर बुक की बात करूँ तो यहाँ पर 10,503 यूनिट्स का ऑर्डर ऑन हैंड यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर बुक अभी भी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई देती है, कंपनी अच्छा खासा काम करेगी, ठीक है। सड़कों पर यहाँ पर ईवी दिखाई देनी है, वो हो नहीं है। लॉन्ग टर्म के व्यू से यहाँ पर आप शायद 10-15% का यहाँ पर एक कंपाउंडिंग इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर अगर 10 साल रखते हो तब यहाँ पर शायद कर लो, ठीक है। बट जो आप सोच रहे हो कि ये शेयर इस तरीके से दोबारा भागेगा, ठीक है, जो 60 रुपए का यहाँ पर 2000 हुआ था, वो 2000 वाला 10,000 हो जाएगा, वो भी 2-4-5 1-2 साल के अंदर अंदर, वो मुझे अभी इम्पॉसिबल यहाँ पर नजर आता है। ईयरली बेस पर कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का बेहतरीन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात करें रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, लगभग 1,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स आपके पास पहुंच गए, साथ में बॉरिंग भी बढ़ रही है, और वर्किंग प्रोग्रेस में 122 करोड़ रुपए भी लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट भी 28 करोड़ का। कैश की बात करें कंपनी के पास यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग लगभग 219 करोड़ के आसपास का कैश भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर आप देखोगे अच्छा खासा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लोज में आ गए। बट यहाँ पर अब पिक्चर समझ में आएगी आपको कि शेयर के क्यों नहीं भाग रहा है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए एज इट इज बने हुए 50% के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन है। एफआईएस की बात करें, जो कभी 9% के आसपास हुआ करते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर अपनी चीजें बेच के जा चुके हैं, 8 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 7 हुआ, और अभी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि 2% की होल्डिंग बेच चुके हैं, ठीक है, 5% की अभी भी रखे हुए हैं, जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे पब्लिक की होल्डिंग, पब्लिक की 39% से 44% हो गई है। जब भी पब्लिक की यहाँ पर होल्डिंग बढ़े ना, तो समझ लीजिए शेयर में परेशानी तो होगी होगी। प्लस में जब ये शेयर बड़ा सस्ता था तब यहाँ पर केवल 94,000 लोग ही थे जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे थे, पर आज की डेट में देखोगे तो 5 लाख लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करके बैठे हुए सोच रहे हैं कि शेयर भागेगा भागेगा भागेगा। बट मुझे लगता है कि शायद वो स्टोरी अभी जो हो चुकी है वो पीछे हट चुकी है, अभी ऐसा कुछ यहाँ पर होने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि इसकी कॉम्पिटिटर जो पियर्स कंपनी है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जेबीएम ऑटो के अगर रिजल्ट देखोगे वो ऐसे कुछ खास आते हुए नजर नहीं आया। चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर क्या दिखाई देता है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ कुछ स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, सीख के उस तरीके से काम करना है ताकि आप यहाँ पर अच्छे से काम कर सको। इसके लिए कोर्स भी है, ठीक है, हमारे साथ काम करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऑलरेडी शेयर
यहाँ पर इतना भागा है, अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया। यहाँ पर देखोगे तो हमने भी यहाँ पर ये शेयर को इधर भी पकड़ा था, साथ में यहाँ पर देखोगे ना यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, तब भी हमने पकड़ पकड़ा था। उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर चला भी, ठीक है। अभी हम देखे तो शेयर अच्छे रिजल्ट के बावजूद यहाँ पर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक मेन सपोर्ट इसका यहाँ पर नजर आता है, ये वाला 15,050 के आसपास का। अगर ये सपोर्ट यहाँ पर टूटा, ठीक है, तो थोड़ी और चीजें यहाँ पर 1473, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये चीजें शायद 1,000 रुपये और 900 रुपये के आसपास आ सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के अच्छे नहीं आएंगे, और अगर कंपनी के रिजल्ट आने वाले टाइम में अच्छे नहीं आए तो ये शेयर यहाँ पर जरूर गिरता हुआ नजर आएगा। अभी ये शेयर मुझे लगता है कि इस क्वार्टर तो यहाँ पर ही घूमेगा, ठीक है। इस क्वार्टर में यहाँ पर ज्यादा तेजी नहीं होगी, और अगर तेजी हुई भी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी होते होते ये शेयर 1900 और शायद या 2100-2200 रुपये तक ही जाएगा। यहाँ पर लोगों को ट्रैप करेगा, ट्रैप करके कंपनी के रिजल्ट एक आध क्वार्टर के शायद बेकार आते हुए नजर आएंगे, और फिर इसके बाद शेयर यहाँ पर दोबारा 900 रुपये के आसपास आएगा। तब इसका जो पी रेशो है वो भी लगभग लगभग 50 के आसपास आता हुआ नजर आ जाएगा। जब इसका पी रेशो भी कम हो जाएगा, ठीक है, शेयर थोड़ा सस्ता हो जाएगा, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन में जाएगा। कंसोलिडेशन से एक्युमुलेशन के बाद यहाँ पर एक तेजी दोबारा हम देखेंगे, बट अभी नहीं देखते हुए नजर आ रहे। अभी यहाँ पर जो स्टोरी यहाँ पर थी वो स्टोरी अभी मुझे इस पर्टिकुलर शेयर में नहीं नजर आ रही। मुझे लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को बड़े गौर से देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने पोर्टफोलियो में एक क्या अच्छे शेयर को यहाँ पर रीशफल करना होगा, तभी जाके यहाँ पर पैसे बनेंगे। अदरवाइज यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि आप रिजल्ट देख के किसी भी चीज को डिसाइड करें कि रिजल्ट अच्छे आ गए हैं तो चीजें भागेंगी। रिजल्ट अच्छे आने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि यहाँ पर चीजें भागेंगी। रिजल्ट के साथ में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीजों को भगाने वाले आप और मैं नहीं है, ठीक है। हमेशा मैं अपनी क्लास में ये बताता हूँ कि चीजों को भगाने वाले ये लोग हैं, ठीक है ना। ये लोग चीजों को भगाते हैं। क्या ये लोग बाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर शेयर को? आपको क्वेश्चन ये पूछना है। अगर ये शेयर को बाई कर रहे होते मुझे लगता है कि ये शेयर अभी तक यहाँ पहुंच चुका होगा, बट ये शेयर ये चीजें यहाँ पर बेच रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पर बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपका बनना मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। और चीजें अगर ऊपर जाती भी है तो शायद ट्रैप होगा, तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ऊपर गया तो शायद यहाँ तक जाएगा, नीचे गया तो ये 700, 800, 900 रुपये, 1,000 रुपये तक की रेंज में आ सकता है। मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर आपको लेना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी की पोजिशन हो तो याद रखिएगा 1550 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीजें गिरी तो बहुत बुरा गिरेगी, जो कि यहाँ पर JBM ऑटो के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखोगे सेम ही काम करती है कंपनी, उसके भी रिजल्ट आया, ठीक ठाक रिजल्ट है, इतने अच्छे नहीं है जिसने इलेक्ट्रा किया, बट स्टिल यहाँ पर आप देखोगे इसने ये रेंज तोड़ी, और जैसे ये वाली रेंज तोड़ी तो धीरे धीरे डेली के डेली ये शेयर 1%, 2%, 3%, 4% कर करके नीचे आ रहा है। और इसकी था कहाँ पर है, ये यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है 1,100 रुपये के आसपास, और शायद ये अगर आने वाले टाइम में 600 रुपये भी आ जाए तो मैं ताज्जुब नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर भी उतना ही महंगा है जितना यहाँ पर इलेक्ट्रा गेम टॉप है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कॉल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बड़े अच्छे से मैंने खूबसूरती के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। ऐसे ही अच्छे से यहाँ पर सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 15,000 रुपये में अभी मिलता हुआ नजर आता है, और 1 जनवरी 2025 से 50,000 रुपये की यहाँ पर ये फीस यहाँ पर लगेगी। और साथ में काम करना है तो यहाँ पर आप हमारे साथ काम भी कर सकते हो इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।